शिमला में भाजपा प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज शिमला विधानसभा क्षेत्र के लिए दृष्टि पत्र जारी करते हुए सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदेश भर में अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। दृष्टि पत्र में विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों का विवरण होगा। यह प्रारंभ किया है ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी व कार्यकर्ता हों वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान देकर के उन चीजों को पूरा करने के लिए जो है संकल्प हो जो दृष्टि पत्र में दिया जाए। इसलिए आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए दृष्टि पत्र जो है वो जारी किया जा रहा है। इस अवसर पर शिमला विधानसभा क्षेत्र के लिए जो दृष्टि पत्र जारी किया जा रहा है उसमें हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं श्री संजय सूद जी जो हमारे शिमला जिला के अध्यक्ष हैं और सूद सभा शिमला के भी अध्यक्ष हैं, श्री प्रदीप कश्यप जी जो हमारे शिमला विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और पूर्व पार्षद हैं, संजय जी भी पूर्व पार्षद हैं, श्री राकेश जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बाधवन की रिपोर्ट।